नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्टरनेटिंग सप्लाई पे। इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर का क्या इफेक्ट होता है उसको समझ रहे हैं हम। और पावर भी दोस्तों, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर को भी हमने समझा है पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन के जरिए। हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द साइज ऑफ कैपेसिटर्स इन द अरेंजमेंट शोन बिलो। दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पावर फैक्टर टू यूनिटी एंड टू करेक्ट टू अ पावर फैक्टर ऑफ 0.96 लैगिंग। दोस्तों पिछला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर लगा हुआ था और हमसे कह रहा है कि हम कैपेसिटर एक पैरेलल में किस कैपेसिटी का लगाएं ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए, ए में और बी में पावर फैक्टर 0.96 हो जाए लैगिंग। तो दोस्तों पहली बात तो यह है, पैरेलल में लगेगा कैपेसिटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर फैक्टर। और ये जो है आपका इंडक्टिव लोड है, मोटर वगैरह भी इंडक्टिव लोड होती है। इंडक्टिव लोड जो है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम होती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में। दोस्तों पिछला क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो आपका एक्टिव पावर शायद 800 वाट आया था और रिएक्टिव पावर 400 VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आप जानते हैं क्यू क्या हो जाएगा, आई सी का स्क्वायर इंटू एक्स सी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस। और आई सी क्या हो जाएगा, वी बाई एक्स सी, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट हो गया है तो वॉल्यूम वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा, और डिवाइड बाई रिएक्टेंस कर देंगे तो हमें करंट अलोंग दिस कैपेसिटर मिल जाएगा। यानी क्यू हो जाएगा दोस्तों, अगर आई इक्वल टू वी बाई एक्स सी इसमें रखते हैं तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स सी, एक्स सी एक्स सी कट जाएगा, वी वी स्क्वायर बाई एक्स सी आ जाएगा। आपका जो वी है 100 वोल्ट दिया हुआ है और रिएक्टिव पावर 400 VAR है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यहाँ से दोस्तों हमारा एक्स सी आ जाएगा, रिएक्टेंस और यूनिटी पावर फैक्टर। एक्स सी आपका आ जाएगा 25 ओम, और आप जानते हैं एक्स सी होता है 1/2 πfc, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, तो हमारा कैपेसिटेंस आएगा 127 माइक्रो फैरड और यूनिटी पावर फैक्टर। और हमसे कह रहा है कि पावर फैक्टर को 0.96 करने के लिए कितने का कैपेसिटर लगेगा दोस्तों, किस कैपेसिटी का। ये दोस्तों 400 जो है वो हमने पिछले क्वेश्चन से लिया है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले आप, ये आपका है इम्पीडेंस है 10 ओम, उसका रियल पार्ट है और जे के साथ 5 ओम जो है वो रिएक्टिव पार्ट है। और आई आप निकालने के लिए, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, वी बाई एक्स, वी बाई जेड। और वी जो है हमारा 100 वोल्ट है जिसका, और जे कंपोनेंट 0 है इसमें, तो 100 + j 0 डिवाइड बाई 10 + j 5, और 10 + j 5 नीचे है तो इनटू 10 - j 5, और नीचे भी 10 - j 5, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा दोस्तों। और पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू कंजुगेट ऑफ करंट। करंट मान लेते हैं आपका 8 - j 4 आया है, तो जो कंजुगेट हो जाएगा 8 + j 4 हो जाएगा, और 8 + j 4 और वोल्टेज का 100 + j 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो एक्टिव पावर देगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों वो आपका रिएक्टिव पावर देगा। ठीक है, आप इसको भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पिछला वीडियो आप रिफर कर सकते हैं, उसमें हमने यही क्वेश्चन का एक्टिव रिएक्टिव पावर निकाला है दोस्तों। फिर कह रहा है हमें पावर फैक्टर 0.96 करने के लिए कितना चाहिए दोस्तों। पावर फैक्टर 0.96, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, यानी फाई हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.96, 16.3 डिग्री दोस्तों। और टेन फाई हो जाएगा, टेन फाई आप जानते ही हैं, रिएक्टिव पावर डिवाइड बाई एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर इस केस में क्या है, यही हमें निकालना है, और एक्टिव पावर तो कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर हमारी सीरीज में आया, हमारे सर्किट में आया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है। तो यहाँ से दोस्तों क्यू आ जाएगा 234 VAR। ठीक है दोस्तों, 16.3 फेज एंगल यानी 0.96 पावर फैक्टर के लिए जो क्यू है वो 234 VAR रह जाएगा। यानी हमारा जो क्यू कितना कम हो गया दोस्तों, पहले 400 VAR था, अब 234 बचा है, यानी 166 VAR जो है
वो हमारा कम हो गया। और क्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स सी, ये हमारा 166 है, ये 100 स्क्वायर वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स सी। उसी तरीके से दोस्तों एक्स सी हमारा आ जाएगा 60 ओम, और एक्स सी होता है 1/2 पाई एफ सी, फ्रिक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, तो आपका जो सी है वो 53 माइक्रोफेरड आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर बी का। देखिए दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए हमें लगभग इसका ढाई गुना, ढाई गुना से भी ज़्यादा, हाँ ढाई गुना के करीब आपका कैपेसिटर लगा था यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए, और उससे थोड़ा कम 0.96 पावर फैक्टर करने के लिए आपको महज 53 ढाई गुना कम लगा दोस्तों यहाँ पे। और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियाँ रहती हैं बिजली की, उसमें रहता है कि आपका पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप अच्छा पावर फैक्टर रहता है तो उसमें कुछ रिम्बर्समेंट भी मिलता है आपके बिल में, अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि फिर रिएक्टिव पावर के कारण उनका लोड कम आता है, उनके जहाँ से वो भेजते हैं बिजली दोस्तों, सब स्टेशन वगैरह से और पावर जनरेशन ग्रिड वगैरह के जरिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमने देखा कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किस प्रकार पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाता है, इंडक्टिव लोड अगर आपके ज़्यादा, इंडक्टिव लोड मोटर वगैरह और पंखे वगैरह सब इंडक्टिव लोड है दोस्तों, और जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी हो आपको। धन्यवाद।